नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। कोरोना का दूसरी लहर का कम हुए अभी थोड़ी ही टाइम हुआ है और ऋषिकेश में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से चारधाम यात्रा खोलने की मिन्नतें कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटन और व्यवसाय को लेकर भी चिंता जाहिर की है। इसी के साथ चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि केस कम हो रहे हैं, इसलिए यात्रा को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोरोना ने लोगों की रोजी रोटी को छीन लिया है, व्यापारियों को भी राहत देने के लिए काम किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ दिन पहले एक चिट्ठी भी लिखी कि जो हमारी यात्रा है, जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन हो गया है उनके लिए हमको इस यात्रा को ओपन कर देना चाहिए, और जो हमारे पंडित पुरोहित हैं अगर उनमें से किसी का डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उनको वैक्सीनेट कर देना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, ताकि जो हमारी यात्रा है, देखो हमारी यात्रा का सीजन है जून का महीना है, जुलाई से तो वैसे ही बारिश के कारण 25 जून के बाद वैसे ही बहुत कम हो जाती है, तो अगर हम 10-15-20 दिन अगर यात्रा को खोलते हैं और जो वैक्सीनेशन जिनका डबल हो चुका है तो उससे एक तो लोग जो ईश्वर के प्रति आस्था है, विश्वास है, उनका विश्वास वो अपना वहाँ पर बंधन करना चाहते हैं तो उनको एक आत्मिक। भाद्राबाद में इन 15 दिनों में सरकारी अनाज के गोदाम से निकलने वाले अनाज की कालाबाजारी हो रही है। अनाज को गोदाम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के बजाय बाहर ही प्राइवेट आटा चक्की व अनाज के व्यापारियों को बेचा जा रहा है, जिसके चलते जो अनाज गरीबों के लिए आया वो गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहा है। अनाज के इस काले खेल में कहीं ऐसे रसूखदार लोग शामिल हैं जिनकी साठगांठ से ये सारा गोरखधंधा फल फूल रहा है। वहीं अनाज की कालाबाजारी पर एसडीएम हरिद्वार गोपाल सिंह चौहान के संज्ञान में मामला आते ही उनके द्वारा मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कही और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लालकुआ में एक तरफ कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वहीं कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की अपील भी की जा रही है। लालकुआ के बिंदुखाता क्षेत्र में 3-3 दिनों का कैंप लगाकर वैक्सीनेशन सेंटर जगह जगह चलाए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र की समस्त जनता तक वैक्सीनेशन का पूरा काम किया जा रहा है। यहाँ पहुंचे किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा कि सरकार निरंतर ही वैक्सीनेशन के काम को पूरा करने में लगी हुई है। सरकार जनता तक वैक्सीनेशन को पहुँचाना चाहती है, जिसके लिए जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा किसान मोर्चे को एक कार्य दिया गया है कि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन सारे वैक्सीनेशन सेंटरों में किसान मोर्चा हेल्प डेस्क लगाएगा पूरे देश में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हमको निर्देशित किया गया और आज हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में है और हमारे किसान मोर्चे के मंडलों के अध्यक्ष कार्यकर्ता इतने हैं कि वह पूर्ण सेवा भाव के रूप से जो है लगातार हेल्प डेस्कों को लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस और सब लोग वैक्सीन के प्रति जो है जागरूक हों, सब लोगों को जागरूक करना है और वैक्सीन लगानी है, और इसलिए हम सब लोग लगे हैं। सेवाई संगठन 2 के तहत पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम सब लगे हुए हैं। अभी पूरे हमारे जो किसान मोर्चे के पूरे देश के अंदर किसान मोर्चे को काम मिला कि जो कि हम वैक्सीनेशन जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पर हेल्प डेस्क लगाएंगे, और हमारे किसान मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर हर जगह हेल्प डेस्क लगाई जा रही है। लोगों की पूरी सेवा भावना से हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। मैं यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं कमल मुनि जोशी जी, उनको बधाई देता हूँ, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ, उनका जो कार्य बहुत सराहनीय कार्य मैंने देखा है। पूरे जिले के अंदर हेल्प डेस्क लगे हुए हैं, वो एक बधाई के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मसूरी में होटल एसोसिएशन द्वारा होटलों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कोरोना काल में बहुत सारी संस्थाओं ने लोगों की मदद की और गरीब लोगों को राशन भी बांटा गया। गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले ना के बराबर रह गए हैं, साथ ही तीसरी लहर में सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। इसी के साथ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे रहा, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हो,
चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, पत्रकार हो, सफाई वाला हो, पुलिस वाला हो, हर व्यक्ति इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहा है। इसलिए हमें आपने देखा होगा कि एक बार आज से 15-20 दिन पहले किसी कार के जो मामले सामने आ रहे थे आज ना के बराबर हैं और धीरे धीरे लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। और तीसरे फेज की भी हमने पूरी तैयारी की है। कल ही मैंने जिलाधिकारी और अधिकारियों की बैठक ली थी कि थर्ड फेज अगर आता है, जैसा कहा जा रहा है कि बच्चों बच्चों से पड़ेगा, हमने ये सुनिश्चित किया है कि थर्ड फेज आता है तो हमारे बच्चों को कोई नुकसान। कलियर के बेड़पुर गांव में मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है और मिट्टी के इस अवैध खनन से माफियाओं का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा है। आरोप है कि खुदाई की परमिशन की आड़ में ये काम किया जा रहा है और खनन माफियाओं पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि खनन अधिकारियों की मिलीभगत से काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि डीएम इस मामले को संज्ञान मिले और जल्द से जल्द अवैध खनन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। कलियर में नगर पंचायत में बढ़ते मक्खी और मच्छरों के प्रकोप के चलते नगर निगम की टीम ने कई जगहों पर दवाइयों का छिड़काव किया। दवाइयों के छिड़काव को लेकर चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने कहा कि कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। साथ ही कलियर में बारिश होने से मक्खी मच्छर का प्रकोप भी बढ़ गया है। मच्छरों के प्रकोप को बढ़ता हुआ देखते हुए लोगों के बचाव के लिए कई इलाकों में दवाइयों का छिड़काव करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज हमारे नगर पंचायत के अंदर जैसे कि बारिश होने से मच्छर और मक्खियों का ज़्यादा वो बढ़ गया है, तो हमारी नगर पंचायत से सैनिटाइज़र और मक्खी और मच्छरों की दवाई का ज़्यादा तेज़ गति से छिड़काव कराया गया है, क्योंकि हमारे वार्ड मेंबर और जितने भी थे उन सब की शिकायत आई और पत्र दिया गया कि जी मक्खी और मच्छर का ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे परेशानी हो रही है हमारे नगर पंचायत के वासियों को। तो हमने तुरंत बोल दिया कि भैया इसको दोनों टाइम। लालकुआ के रिहायशी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहरीले सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। निकटवर्ती क्षेत्र में पुराने बिंदुखाता स्थित एक घर से दो लंबे सांप निकले। सांपों के निकलने पर इलाकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने सांपों का रेस्क्यू करते हुए उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। लालकुआ में एक युवक को अपने मृत परिजन को जीवित दिखाना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। दरअसल राकेश अग्रवाल ने नाम के युवक ने साल 2015 में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के साथ मिली भगत करते हुए गलत तरीके से भवन का नामांतरण किया था। बता दें कि लालकुआ के बॉर्डर नंबर 3 जवाहर नगर निवासी सतीश कुमार ने ही ये आरोप लगाया है कि उसके मृत दादा को जीवित दिखाते हुए गलत तरीके से भवन कर नामांतरण करवाया गया था। फिलहाल इस मामले में थाने में तीनों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ऋषिकेश में सालों से बंद पड़े IDPL के ऑक्सीजन प्लांट को सेना के इंजीनियरों द्वारा कड़ी मेहनत के बाद शुरू कर दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इंजीनियरों की टीम का फूलमालाओं से सम्मान किया। इंजीनियरों को सम्मानित करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि IDPL ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने का श्रेय केवल सेना के जवानों को ही जाता है और काफी मेहनत के बाद सेना के लोगों ने इस प्लांट को शुरू करने में सफलता हासिल की। जिन लोगों ने असंभव काम को संभव करके दिखाया, ऐसे लोगों को सैल्यूट करने के लिए आया हूँ, इनका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, इनका अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। क्योंकि ये बात सच है कि शुरुआती तौर पर तो लग ही नहीं रहा था कि हम इस काम में हम सफलता हासिल कर पाएंगे। IDPL प्रशासन द्वारा कही दिया गया था कि 15 साल पहले ये बंद हो गई, तब ये इस्टेब्लिश हुई थी। 15 साल तक तो इसमें जंग खा गया होगा, ना कोई स्पेयर पार्ट्स मिलेगा, ना इसको चलाने वाला कोई मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद जब फौज ने अपने हाथ में इस काम को लिया, लेकिन आप देखिए आज हम ये बात बड़ी खुशी से कह रहे हैं कि हम जो औपचारिकता है उसकी पूरी करके और इस ऑक्सीजन प्लांट का अब उद्घाटन भी हम बहुत जल्दी।
कोरोना काल में बाजार खोलने के लिए छूट नहीं मिलने से व्यापारी भड़क गए। ऋषिकेश में व्यापारियों ने त्रिवेणी घाट चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार व्यापारियों के हितों के लिए गंभीर नहीं है। लगातार व्यापारियों की मदद के स्थान पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आगे व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि अभी भी सरकार ने व्यापारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो ये सरकार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऋषिकेश में कर्फ्यू के बीच राहत नहीं मिलने से नाराज निजी परिवहन व्यवसायी आक्रोश में आ गए। गुस्साए निजी परिवहन व्यवसायियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों का नहीं मानती तो वो नो रिलीज नो वोट की तर्ज पर अब आंदोलन शुरू करेंगे। इस मामले में उन्होंने एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को भेजा है। परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय नीति परिवहन कारोबारियों के तहत ARTO कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि निजी परिवहन व्यवसाय से तकरीबन 10 लाख परिवार जुड़े हैं, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से ये व्यवसाय अब रसातल में पहुंच गया है, जिससे वाहन स्वामियों और चालक व परिचालकों के सामने भुखमरी की नौबत सी आ गई है। ये आप सबको पता है उत्तराखंड में कोरोना काल के कारण जो है चारधाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। हम लोगों का विगत वर्ष से ही, पिछले साल भी 2020 में भी चारधाम यात्रा पूरी तरह प्रभावित हुई थी और इस वर्ष भी चारधाम यात्रा का संचालन नहीं हो पा रहा है। तो हम विगत वर्ष से हम लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि कोरोना काल के कारण जो भी आर्थिक हानि हमारे चालक परिचालकों को वाहन स्वामी भाइयों की हुई है तो वो फौरी राहत के तौर पर कुछ ना कुछ व्यवस्था करें, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई भी ऐसी राहत पैकेज की घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई है। हमने हमारा जो आंदोलन चल रहा है नो रिलीफ नो वोट के तर्ज पर चल रहा है। अगर सरकार हमें रिलीफ नहीं देती है तो हम सरकार को वोट नहीं देंगे और नो टैक्सेशन विदाउट सॉल्यूशन ये हमारा नारा होगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम सरकार। रुड़की के छबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक गांव से अपहरण की गई किशोरी को पुलिस ने लुधियाना से बरामद कर लिया है। किशोरी को बरामद करते हुए पुलिस ने सफलता हासिल की। टीम ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने बताया कि सर्विलांस टीम की मदद से आरोपियों को बरामद किया गया है, लेकिन इस मामले में कुछ लोग अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। हमारे पास एक वादी द्वारा जो है लिखित सूचना दी गई कि उनका बेटी, उनका उम्र 14 साल है, वो मिसिंग है करके तत्काल रूप से जो हमने 365 मुकदमा कायम करके कार्रवाई कर रहे थे, इसमें कल हमें सफलता मिली। ये लड़की जो हमने सब कुशल बरामद कर दी और इसका मामला ऐसा निकल के आया कि लड़की को किसी लड़के के साथ जो प्रेम प्रसंग का मामला था, वो लड़का जो है महाराष्ट्र में जो है गुड़ का चक्की में काम करता है, तो इन्होंने इनका दोस्त को बताया कि उस लड़की को ले आओ। वो लड़का जो है, जो इनका दोस्त है, देवबंद में रहता है, तो जबरड़े में दो लड़के के माध्यम से जो है इनका जो है उनके दोस्त के पास पहुंचा गया है। उनका दोस्त ने जो है उनको वहाँ से जो है दिल्ली लेके गए थे। दिल्ली से जो है किसी कारण से जो है लड़का जो है लड़की का अपने साथ लेने गया, दिल्ली रेलवे स्टेशन में छोड़। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग ने विधायक हाजी फुरकान अहमद के आवास कैंप कार्यालय लगा जाकर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया। इस अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की कोशिश की जा रही है। विधायक हाजी फुरकान ने कहा कि सभी लोग टीकाकरण जरूर कराएं, साथ ही जनता से अपील की है कि अपनी व अपने परिवार की हिफाजत के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। इस महामारी में हम सबको साथ मिलकर लड़ना है। इस दौरान उन्होंने शिविर लगाने पर स्वास्थ्यकर्मी और पदाधिकारियों की प्रशंसा भी की। कलियर में पुलिस ने बिना अनुमति काटे गए आम के पेड़ की लकड़ियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने बताया कि चेकिंग के दौरान कलियर चौक से नहर के पास आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे बिना अनुमति काटे गए लकड़ियों को भी बरामद किया गया है, साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कहते हैं कि अगर एक इंसान अगर ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। लालकुआ में भी दिव्यांग ने अपने हौसले की मिसाल पेश की। दिव्यांग शंकर लाल ने गरीब असहाय लोगों की मदद की। कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने विकलांग महिला को ट्राईसाइकिल प्रदान की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी दिव्यांग कल्याण समिति पिछले 3 वर्षों से लगातार क्षेत्र में काम कर रही है और जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो काम सरकार की प्रतिनिधियों से को करना चाहिए वो काम उनकी समिति कर रही है।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी शराब तस्कर बेखौफ होकर तस्करी कर रहे हैं। वहीं अवैध शराब के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। इसी के तहत मुकानी चौराहे पर आज चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 12 पेटी अवैध शराब बरामद की। शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार में पुलिस का स्टीकर भी लगा था। एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही कार में लगे पुलिस के स्टीकर की जाँच की जा रही है कि ये स्टीकर इस कार में कैसे लगाया गया और इन तस्करों के तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं। क्षेत्र का है, 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। 12 पीटी हैं जो अंग्रेजी शराब है और इसको स्विफ्ट वाहन में ले जाया जा रहा था। तीनों लोगों को 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त पंजीकृत करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस का जो स्टीकर लगा है उसकी जाँच कराई जाएगी। हाँ, इसमें भी जाँच की जाएगी और ये पता किया जाएगा कि इस ढंग का स्टीकर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर ये चीज़ इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं तो इसमें भी संबंधित धाराओं में। पाठ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।